स्वागत है एक बार हमारे चैनल में आपका फिर से। और आज हम जानेंगे प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी के बारे में। इस कहानी के मुख्य पात्र हल्कू रहते हैं और बहुत सारे पात्र हैं, जैसे उसकी पत्नी मुन्नी, फिर एक कुत्ता जिसका नाम जबरा होता है, और एक बहुत बड़े साहूकार होते हैं उसका नाम शहना होता है, जो गाँव के सबसे बड़े साहूकार थे। वो सभी को कर्ज में रुपये दिया करते थे। तो आइए कहानी हम शुरू जानने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि शहना जो है वो हल्कू के पास आता और कहता है कि अरे हल्कू, पिछले 3 महीने से तुमने हमारा कर्ज चुकाया नहीं है, सो तुम कब दोगे मुझे? आज तो मैं नहीं मानूंगा, आज तो मैं अपना पर्स पैसा लेकर ही मानूंगा। तो हल्कू बड़े हृदय भाव से कहकर और अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि अरे सुनो, तुमने जो 3 रुपये रखे हैं कंबल लेने के लिए, वो तुम मुझे दे दो, शहना आया है लेने के लिए। उसकी पत्नी परेशान होकर कहती है, अगर उसे मैं दे दूं वो 3 रुपये, तो फिर कंबल कहाँ से आएंगे? और पूस माग के तो तुम ठंड जानते ही हो, खेत में कैसे कटेंगे वो दिन? हल्कू जो है वो चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार ये बात तो सही कह रही है, लेकिन उससे होता क्या? हल्कू ने फिर सोच समझ कर कहा कि अरे दे दो, कोई बात नहीं है, इससे जान तो छूटे। मुन्नी कहती है, अगर ना दो तो? हल्कू कहता है, अगर नहीं दोगे तो मुझे भला बुरा कहेगा और मुझे गालियां भी दे सकता है। मुन्नी कहती है, क्यों गाली दे? उसके बाप का राज है क्या? उन्हीं का राज है जो हमें गाली दे। हल्कू अपनी पत्नी के करीब जाकर बड़े प्यार से कहता है, अच्छा आप चलो 2 पैसे मुझे दे भी दो, नहीं तो ये मुझे कहेगा, बहुत बातें कहेगा और लोगों के सामने मुझे कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसकी पत्नी कुछ सोची समझी और चली जाती है अंदर। अंदर जाकर वो 3 रुपये लेकर आ जाती है और हल्कू को देकर कहती है कि ये लो 3 रुपये, जाकर दे दो शहना को, दिन भर मजदूरी करो और फिर ऐसी दिक्कत होगी, उससे अच्छा है कि मजदूरी ही करो, लगान भी ना भरना पड़ेगा। और वो ये कहते हुए हल्कू को पैसा दे देती है 3 रुपये। हल्कू पैसे लेकर बाहर निकल रहा था तो मानो अपना हृदय लेकर वो बाहर निकल रहा था। बड़े ही मुश्किल से हल्कू ने दिन रात एक करके वो 3 रुपये इकट्ठे किए थे, तो वो बहुत ही दुखी थे अंदर से, और उसका एक एक कदम बढ़ता जा रहा था और ये सोचता हुआ जा रहा था वो कि कितनी दीनता है हमारे इस राज्य में और हम में, जो हम 3 रुपये एक कंबल लेने के लिए भी नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। उसके बाद होता क्या है कि शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो हल्कू और उसका एक कुत्ता जबरा वो खेत की रखवाली करने के लिए जाता है। अब वो खेत की रखवाली करके जाती है तो ठंड इतनी कि मानो हल्कू जब आकाश में देख रहा हो तो उसे ऐसा लग रहा था कि तारे भी ठंड के मारे थोड़ी छोटी पड़ चुकी है, इसलिए हल्कू को और भी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। हल्कू के पास एक पुराना कंबल था जो काफ़ी फटी हुई थी और सूती की थी, बहुत पतली भी थी, उससे गुजारा ना हो पा रहा था, लेकिन फिर भी करता क्या, उसके पास केवल एक ही कंबल थी, वही वो कंबल ओढ़े वहां पर लेटे हुए था। खेत में एक मचान बनाया हुआ था, मचान उसे कहते हैं जो थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है जिससे कि कोई जानवर आकर उन पर अटैक ना कर दे, इसलिए वो वहां पर एक मचान बनाया हुआ था और उसी के नीचे उसका कुत्ता जबरा वहां पर आराम कर रहा था कि अचानक ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुत्ता जो होता है वो भौंकने लगता है, और हल्कू को भी नींद ना आ रही थी क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही थी, शीतलहर चल रही थी तो ठंड लग रही थी। हल्कू अब उठ खड़े हो जाता है और अपने पाँव को अपनी गर्दन के पास लाकर एक मानो कि वो गोल सा हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है, बैठ जाता है और कहता है जबरा से, क्यों जबरा ठंड लग रही है? कहता था कि माता घर पर रह, पर तू माना, तुमने सोचा कि हल्कू जो है मेरा मालिक वो तो हलवा पूरी खाने के लिए जा रहा है, अब रो नानी के नाम को। ये कहता हुआ वो वापस फिर लेट जाता है और
फिर से वो कुत्ता जो है जबरा वो फिर से भौंकने लगता है ठंड के मारे, कि मानो उसे प्यार से कहने लगा। हल्कू जो है वो उसे प्यार से कहने लगा कि अरे जबरा अब सो भी जा, ठंड भी बहुत बढ़ रही है, इसे तुम सो जाओ। कुत्ता अपनी श्वान बुद्धि के को चलाते हुए कहता है मन ही मन कि शायद मेरा भौंकना मालिक को अच्छा ना लग रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे भौंकता भौंकता वो शांत हो जाता है। और फिर उसने एक बार दृढ़ निश्चय किया कि अब तो सो जाऊंगा, अब नहीं उठूंगा दोबारा। ये सोचते हुए वो लेटते हैं कि हवाएं और ज़्यादा तेज चलने लगती हैं। उसने वहाँ से उठकर नीचे जबरा के पास आ जाता है और जबरा को सहलाते हुए कहता है, कहता था ना कि मत आओ, क्यों ठंडी लग रही है ना, आज भर ये दिक्कत कर लो, कल से मैं तुम्हारे लिए कुछ पुआल ले आऊँगा, उस पर तुम घुस कर सो जाओगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, इसलिए आज भर दिक्कत करो, कल से मैं तुम्हें अच्छे से ही रखूँगा। ये कहता कहता मानो अपने आप को तसल्ली दे रहा हो कि ठंड कम हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या था कि हवाएं और तेज होती जा रही थी, रातें और बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि रातें और बड़ी होती जा रही है। अब ये कहता कहता वो फिर दृढ़ निश्चय करके वहाँ पर जाकर सो जाता है कि ठंड इतनी बढ़ जाती है और फिर कि फिर वो उठकर वहाँ से हुक्का पीने लगते हैं, जो चिलम होती है ना, वो उठकर वो पीने लगता है। उसने दो तीन ही चिलम पी थी और सोचा कि अभी तो रात बहुत है और सप्तऋषि भी अभी ऊपर ही है, इसलिए वो अभी और लेट होने वाला है, इसलिए मैं कुछ चिलम को बचा कर रखूँ सुबह पीने के लिए, क्योंकि रात को तो नींद आएगी ही नहीं। उसने सोचा कि अब कुछ होने वाला नहीं, इस ठंड को हम नहीं रोक सकते हैं। देखा कि पूरा पतझड़ चलने लगता है, उस समय पूरी हवाएं चलने लगती है, शीतलहर चलने लगती है। उसने कहा जबरा से नीचे जाकर, क्यों जबरा, देखो पास में ही एक बगान है, आमों का एक बगान रहता था, उस बगान के बगल में एक आम का बगान रहता था, वहाँ पर पत्तियाँ बहुत सारी जमा हुई थी। उसने सोचा कि क्यों ना पत्तों को जलाकर तापा जाए रात भर, जिससे ठंड दूर हो जाए। उसने जबरा से कहा, चलो जबरा हम लोग उस आम के बगान पर जाते हैं, देखो वहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं। हल्कू के मन में आया कि अगर मैं वहाँ पत्ते बटोरने के लिए जाता हूँ तो शायद वहाँ कोई जंगली जानवर ही हो, मुझे देखकर वो मुझ पर हमला कर दे तो। परंतु अकर्मण्यता ने उसे ये सोचने का भी मौका ना दिया और सोचा कि अरे कुछ होने वाला नहीं है, ठंड से कम बचूँ, और यह कहता हुआ सोचता हुआ वहाँ से चलता जा रहा था। कुत्ता उसकी सहमति के लिए मानो म्याँ म्याँ कर रहा था कि चलो। अब जाता है वो लोग दोनों और जबरा वहीं पर खड़ा है और उस कड़ाके की ठंड में हल्कू पत्तियों को बटोरे जा रहा था, और जैसे ही ठंड बढ़ती जा रही थी कि हल्कू पत्तों का पहाड़ खड़ा कर रहा था कि ये पत्ते जल्दी से जमा हो जाए तो हम इसे जलाकर खूब तापे और ठंड दूर करें। कि देखते ही देखते घंटों दो घंटों में उन्होंने बहुत सारे पत्तों का एक पहाड़ जमा कर लिया था। उसने जलाई उस पत्ते को और तब जाकर उसे आराम आता है, कि उसे लगा कि खेत पर कोई जानवर आया, मानो नीलगाय का झुंड आया। हल्कू को ऐसा लगा कि नीलगाय का शायद झुंड आया है। जबरा वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है खेत और खेत के चारों ओर घूमता जाकर और पूरी जोर जोर से वो भौंकने लगता है। हल्कू को लगा कि शायद नीलगाय का ही झुंड हो, तो क्यों ना मैं जाकर देख लूँ एक बार। परंतु उसके मन में ख्याल आता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर हो ही नहीं सकता है, जबरा उसे नोच के ना खा जाए। परंतु कुछ जानवरों को चरे जाने का आवाज़ उसे सुनाई देता है हल्कू को। उसने सोचा कि अब तो मैं नहीं मानने वाला हूँ, चलकर देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आकर सो जाऊँगा, क्योंकि गर्म भी होने वाला है, आग भी जल गई है, इसलिए उन्होंने आकर सोचा कि अब चलकर देखा जाता है। उन्होंने मुश्किल से 3-4 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि शीतलहर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वापस लौट जाता है, और इधर वो अपना आग तापे जा रहा है और उधर नीलगाय की जो झुंड थी वो खेत को पूरा तहस नहस करते जा रही थी।
कि उसने सोचा कि अब ठंड तो ज़्यादा बढ़ ही गई है और खेत में भी कोई है नहीं, इसलिए वो वहीं पर मड़ैया डालकर यानी वहीं पर कुसा बिछाए हुए सो जाते हैं। और सो जाते हैं तो फिर सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है तो उसकी आँख खुलती नहीं है क्योंकि रात में वो सो नहीं पाया था, बहुत लेट से आधी रात को वो मानो पूरी रात ही वो जग चुका हो इसलिए सो नहीं पाया था कि उसकी पत्नी मुनिया उसे जगाने के लिए आ जाती है कि अरे उठो भी, यूँ सोते ही रहोगे, उठकर देखो तो यहाँ क्या हो गया है। हल्कू ने उठा और बोला क्या बात है, क्या बात है तुम मुझे उठा रहे हो ऐसा। अब हल्कू जो है और मुन्नी की बातें चल रही है, मुन्नी कहती है कि उधर सारा खेत बर्बाद हो गया है, नीलगाय की झुंड आई थी वो सारी की सारी खेत को बर्बाद करके चला गया है। मुन्नी की आंखों में बहुत ही दुखदाई थी, बहुत दुख उसको लग रहा था कि हमारा खेत जो है वो बर्बाद हो गया है। परंतु हल्कू को मन ही मन खुशी हो रही थी कि चलो अब खेत में तो ना रहनी पड़ेगी, रात को ठंड में इसका पहरा तो ना करना पड़ा, इसलिए वो खुशी हो रहा था। परंतु उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो लगान जो है भरना हम लोग को तो मजदूरी करके ही भरनी पड़ेगी। हल्कू अंत में यही कहता है कि चलो अब ठंड में हमें रखवाली करने की आवश्यकता नहीं है, और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के घर में और किसी के परिवार में इतनी दीनता आ जाती है कि एक कंबल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, और कंबल ना रहने के कारण और ठंड को इतनी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो नील गाय को भगाता तक नहीं है। और मुंशी प्रेमचंद द्वारा यह कहानी आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।